हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड इवनिंग। अभी मैं बना रही हूँ कॉलीफ्लावर की समोसा, जो बाजार में अभी विंटर के टाइम पे कॉलीफ्लावर बहुत बढ़िया मिलता है। इसके लिए सोचा समोसा बना देती हूँ, इसलिए छोटा छोटा कॉलीफ्लावर का काट लिया छोटे छोटे पीसेस में, और आलू को भी काट लिया। उसको बाद थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो दिया, और मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा जीरा, कलौंजी और एक टुकड़ा अदरक और ग्रीन चिल्ली डाल के अच्छे से छौंक लगाएंगे। आप यहाँ पे अदरक और ग्रीन चिल्ली की पेस्ट भी डाल सकते हो। मैंने एक बड़ा टुकड़ा डाला, बाद में इसको निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि अदरक मुँह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। और हल्दी, नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और पहले जब शुरू में हम लोग फ्राई करेंगे ना, थोड़ा सा फ्लेम को हाई रखेंगे, तब देखना कॉलीफ्लावर से बहुत बढ़िया खुशबू निकलेगा। और मैं ये स्टफिंग जो है मैं दोपहर को ही बना रही हूँ, तो इस दूसरी तरफ मेरा चिकन बन रहा है दोपहर के लिए। लास्ट में कॉलीफ्लावर में मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाला, इससे बहुत बढ़िया कॉलीफ्लावर फ्राई की स्वाद आता है। अभी मैंने स्टफिंग को ठंडा करने के लिए रख दिया था, अभी शाम का टाइम है। मैंने मैदा ले लिया, मैदे में थोड़ा सा चीनी और नमक डाल के मिला लिया। अभी डालेंगे व्हाइट ऑयल। व्हाइट ऑयल को डाल के ना अच्छे से मयाम करेंगे, जैसे ना ये मैदा जो क्रम की तरह, ब्रेड क्रम की तरह ना हो जाए, और या तो हाथ में जब लोगे ना एकदम लड्डू जैसे ना बन जाए। अभी नॉर्मल पानी से हम लोग एक बहुत टाइट सा डो बनाएंगे, जैसे कि देखिए ये टेक्सचर ऐसा रहेगा जैसे फट रहा है आप जब पकड़ोगे। उसके बाद रैपिंग पेपर से हम लोग साइड करके रख देंगे, और दूसरा एक स्वीट बनाएंगे। इसके लिए कच्चा गुलाब बनाएंगे, हमने ले लिया बाज़ार से ख़रीदा हुआ पनीर। नॉर्मली सब बोलते हैं कि कच्चा गुलाब की पनीर जो है छेना से बनाना चाहिए, लेकिन मैं बाज़ार से बना रही हूँ, इससे भी बहुत परफेक्ट सा कच्चा गुलाब बन जाता है। सिर्फ इस टाइम पे ना दो पोर्शन करके, एक पोर्शन को बहुत अच्छे से मसलना है, जैसे कि छेना पनीर जो है वो बहुत चिकना ना हो जाए तब तक मसलना है। और दूसरे पोर्शन को हम लोगों ने पैन में ले लिया, और थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क डाल के अच्छे से पकाएंगे। तब तक पकाना है जब तक पनीर कंडेंस्ड मिल्क को एब्जॉर्ब ना कर ले। दोस्तों आप ऐसे भी बना के देखना, परफेक्ट सब काचा गुल्ला बन जाता है। जो बाज़ार से पनीर है, बाज़ार से खरीद के पनीर से भी अच्छा बनता है। सिर्फ फ्रोज़न वाला नहीं लेना, फ्रोज़न वाले से मैंने ट्राई नहीं किया इसलिए मैं नहीं बताऊँगी। अभी क्या करूँगे, दोनों पोर्शन को अच्छे से मिला के फिर से थोड़ी देर मसल लेंगे, जैसे कि दोनों चीज़ अच्छे से मिल जाए और हम लोग लड्डू का शेप दे पाए। और ये देखिए परफेक्ट काचा गुल्ला तैयार हो गया। ये और एक मिल्क पाउडर में थोड़ा सा कोटिंग देंगे, हमारा काचा गुल्ला तैयार हो गया। दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप देखना परफेक्ट बनेगा। अभी क्या हुआ, मेरा बेटा, दोनों बेटा बाहर ही खेल रहे थे तो मुझे बुला रहे थे, क्योंकि उसके फ्रेंड ने अभी ये स्मार्ट व्हील वाला उसको ट्रेन किया है, तो मुझे दिखाना है। और बच्चे कुछ सीखते हैं ना तो मम्मी के साथ शेयर करते, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देते तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये देखो छोटा भी गया बाइक के पीछे पीछे, तो ये बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि हम लोग ये स्मार्ट व्हील उसको कभी ख़रीद के नहीं दिया था, तो फ्रेंड से सीखा है, मुझे देखने के लिए बुलाया, तो मैं देख के थोड़ा बोल दिया वेरी गुड बाबू, तुमने बहुत अच्छा किया। तो चलिए फिर से किचन पे समोसा बना लेते हैं। अभी बनाएंगे समोसा। समोसा की जो डो हम लोगों ने तैयार करके रखा था उसको अच्छे से थोड़ी देर मसल लेंगे, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने बांध के रखा ना थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ा है, तो पहले से थोड़ा सा नरम हो गया। आप जब रोटी समोसा के लिए बेलोगे ना तब बिल्कुल भी मैदा यूज़ नहीं करना चाहिए। और हमारा स्टफिंग भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और स्टफिंग हमेशा किसी भी चीज़ में ना ठंडा नहीं डालोगे, तो आप गरम गरम डालोगे तो जैसे रोटी या गुजिया के अंदर डालोगे ना उससे मॉइस्चर छोड़ेगा, और इस चीज़ को ना क्रिस्पी नहीं होने देगा जब आप फ्राई करोगे। तो किसी भी चीज़ की स्टफिंग हमेशा ठंडा डालना चाहिए।
तो ऐसे समोसे के शेप दे दिया मैंने। ऐसे बड़ा एक ओवल शेप का रोटी बेल लिया था और दोनों साइड पानी के सहारे से लगा दिया और अंदर कॉलीफ्लावर और आलू की सब्जी डाल के फिर ऊपर से थोड़ा सा पानी लगा के ऊपर पोर्शन बंद कर दिया और हमारा समोसा बिल्कुल तैयार हो गया। और समोसे के ना हमेशा मतलब नॉर्मल हीट हो रहा है तेल में डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा धुएँधर गरम करके तेल को नहीं डालना चाहिए तेल में, नहीं तो फटक से समोसा की जो आउटर लेयर है ना वो फ्राई हो जाएगा, अंदर का नहीं होगा। और एकदम धीमी फ्लेम में 10-15 मिनट तक हम लोग कुक करेंगे, तब जाके बहुत क्रिस्पी सा समोसा बनेगा। और समोसा के साथ चाहिए चाय और हमारा शाम का नाश्ता बिल्कुल तैयार। और यहाँ पे दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था जहाँ हम लोग वाकिफ सूख पे गए थे, वहाँ से ये मोर ख़रीदा था और ये राधा किशन जी के पास मुझे ये मोर रखना था। मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि ये मोर राधा किशन के साथ रखने से घर में प्यार बढ़ता है इसलिए। और अभी मेरा सब कुछ हो गया खाना वाना, तो किचन का क्लीनिंग करके मैं रात को सब कुछ क्लीन करके फिर सोती हूँ, तो सुबह उठ के बहुत फ्रेश लगता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।